नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बाजा आप सभी का आपके YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज 31 जुलाई 2020 और आज आपके लिए फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जो क्वार्टर वन के नतीजे आज घोषित किए गए हैं उन रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे कि इन रिजल्ट्स के अंदर बैंक के नेट प्रॉफिट हैं वो कितने बढ़े हैं और साथ में जो असेट्स क्वालिटी है उसके अंदर भी कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। उसके बाद में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर का चार्ट लगाएंगे, चार्ट के ऊपर आपको इसके टारगेट्स भी बताएंगे और इसके बेस्ट सपोर्ट लेवल भी बताएंगे और दोस्तों निवेश करने के लिए आपको बेस्ट बाय रेंज भी बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यदि आप भी शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और अगर आपके पास कोई डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर आप तुरंत ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और साथ में समय निकाल के एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज देखिए 31 जुलाई 2020 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जो क्वार्टर वन एंड हुआ है यानी 30 जून 2020 को जो क्वार्टर वन एंड हुआ है उसके रिजल्ट जो है जारी कर दिए हैं। तो यहाँ पर अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट हैं क्वार्टर वन के फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के, ठीक है। तो यहाँ हम स्टैंड अलोन जो रिजल्ट है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। स्टैंड अलोन रिजल्ट का मतलब होता है कि भारतीय स्टेट बैंक का केवल खुद का जो है जो रिजल्ट है वो हम यहाँ पर चेक करेंगे, इसकी सब्सिडीरीज का जो रिजल्ट है वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो चर्चा करते हैं यहाँ पे स्टैंड अलोन रिजल्ट के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक की टोटल इनकम है वो देख लेते हैं। देखिए टोटल इनकम में सबसे बड़ी जो कमाई होती है ब्याज की कमाई होती है और अदर जो सोर्सेज होती हैं वहाँ से आय जो होती है वो टोटल इनकम होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक को पिछले साल यानी जो 30 से 2019 को जो क्वार्टर एंड हुआ था, लास्ट ईयर का जो क्वार्टर वन था, उसके अंदर टोटल इनकम 70,653.23 करोड़ रुपए थी, जो दोस्तों बढ़कर इस साल के क्वार्टर वन के अंदर टोटल इनकम हो गई 74,457.86 करोड़ रुपए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले साल के क्वार्टर वन की तुलना में इस साल के क्वार्टर वन के अंदर टोटल जो आय या जो इनकम है उसके अंदर 5.38% की वृद्धि जो है देखने को मिली है। तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है, एक वेलकम न्यूज़ है कि टोटल जो इनकम है उसके अंदर वृद्धि देखने को मिली है। अब यहाँ पे देख लेते हैं टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो देख लेते हैं। टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसके अंदर प्रोविजन की राशि और जो कंटीजेंसी की राशि है वो इंक्लूड नहीं है। तो आप देख सकते हैं टोटल जो एक्सपेंडिचर है पिछले साल के क्वार्टर वन के अंदर भारतीय स्टेट बैंक का था 57,407.07 करोड़ रुपए, ठीक है। जो देखिए दोस्तों ये टोटल जो एक्सपेंडिचर थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा है इस साल के क्वार्टर वन के अंदर, ये हल्का सा बढ़कर हो गया 57,936.51 करोड़ रुपए। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिछले साल के क्वार्टर वन की तुलना में इस साल के क्वार्टर वन के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर मामूली बढ़त देखने को मिली है, लेकिन ये ज़्यादा बढ़त नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है पिछले साल का जो क्वार्टर जो वन था उसके अंदर भारतीय स्टेट बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वह था 13,246.16 करोड़ रुपए, ठीक है। जो दोस्तों बढ़कर इस साल के क्वार्टर वन के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया भारतीय स्टेट बैंक का 16,521.35 करोड़ रुपए। तो यहाँ भी अच्छी बढ़त जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है। अभी देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोविजन अदर देन टैक्सेज एंड कंटीजेंसीज, ठीक है। तो देखिए कोविड-19 की वजह से जो प्रोविजन करना पड़ा है बैंक को तो वो देख लेते हैं, या फिर जो कंटीजेंसीज जो होती हैं जो प्रोविजन होती हैं जो पोटेंशियल एनपीए होने की जो संभावना होती है राशि उसके लिए बैंक पहले से प्रोविजन नेट प्रॉफिट में से करके चलते हैं। तो यहाँ देखिए प्रोविजन पिछले साल के क्वार्टर वन के अंदर था 9,182.94 करोड़ रुपए, जो दोस्तों बढ़कर इस साल के क्वार्टर वन के अंदर हो गया 12,501.30 करोड़ रुपए। तो यहाँ देखिए प्रोविजन के अंदर जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन देखिए कोविड-19 की वजह से सभी जो बैंक हैं उनके प्रोविजन के अंदर जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। अब देख लेते हैं प्रोविजन ऑफ विच प्रोविजन्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी देखिए जो इनका पोटेंशियल जो एनपीए हो सकता था या एनपीए होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है, उसके लिए प्रोविज़न कितना किया गया है। तो आप देख सकते हैं पिछले साल के क्वार्टर वन के अंदर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए जो प्रोविज़न किया गया था वह था 11,648.45 करोड़ रुपए, ठीक है, जो दोस्तों घटकर इस साल के क्वार्टर वन के अंदर ये प्रोविज़न की जो राशि है एनपीए की जो लिए जो प्रोविज़न की राशि है वह घटकर रहेगी 9,420.46 करोड़ रुपए। तो यहाँ इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है, ये एक बहुत अच्छी बात है, इससे इसका जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब सीधा बात कर लेते हैं यहाँ पर हम नेट जो प्रॉफिट है उसके ऊपर। देखिए नेट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर
अब सीधा बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड की, ठीक है, यानी बैंक को नेट प्रॉफिट है वो कितना हुआ है। तो आप देख सकते हैं पिछले साल का जो क्वार्टर वन था उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेट प्रॉफिट हुआ था 2312.20 करोड़ रुपये का, जो दोस्तों बढ़कर इस साल के क्वार्टर वन के अंदर नेट प्रॉफिट हो गया 4189.34 करोड़ रुपये। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले साल का जो क्वार्टर जो वन था उसकी तुलना में इस साल के क्वार्टर वन के अंदर नेट जो प्रॉफिट है उसके अंदर लगभग 81.18% की बढ़ोतरी जो है नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिली है। तो यानी कहने का मतलब एक बहुत बड़ी जो बढ़ोतरी है वो नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिली है, यानी यूँ कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट लगभग डबल हो गया, डबल तो नहीं हुआ लेकिन डबल के लगभग पास में है। यानी आप देख सकते हैं पिछले साल के क्वार्टर वन की तुलना में इस साल के क्वार्टर वन के अंदर नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 81.18% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो एक बहुत ही शानदार बढ़ोतरी है। अब अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए अर्निंग जो पर शेयर है उसके ऊपर, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर देखिए बेसिक एवं डायल्यूटेड दोनों की बात करें तो देखिए पिछले साल के क्वार्टर वन के अंदर अर्निंग पर शेयर था 2.59, जो दोस्तों बढ़कर इस साल के क्वार्टर वन के अंदर हो गया अर्निंग पर शेयर 4.69। तो यहाँ भी एक अच्छी बढ़ोतरी जो है देखने को मिली है। अब बैंक की असेट्स क्वालिटी चेक करने के लिए हम इसका परसेंटेज ऑफ ग्रोथ एनपीए चेक कर लेते हैं। तो देखिए परसेंटेज ऑफ ग्रोथ जो एनपीए है पिछले साल का जो क्वार्टर वन था उसके अंदर परसेंटेज ऑफ ग्रोस एनपीए था 7.53%, ठीक है, जो दोस्तों घटकर इस साल के क्वार्टर वन के अंदर हो गया 5.44%। तो यहाँ ये परसेंटेज ऑफ ग्रोस एनपीए है उसके अंदर गिरावट देखने को मिली है, ये एक बहुत ही अच्छी है, एक वेलकम न्यूज़ है कि बैंक का ग्रोस जो एनपीए है वह घटा है। उसके बाद में देख लेते हैं परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले साल का जो क्वार्टर वन था उसके अंदर परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए था 3.07%, जो दोस्तों घटकर इस साल के क्वार्टर वन के अंदर हो गया मात्र 1.86%। तो यहाँ भी देखिए परसेंटेज ऑफ नेट जो एनपीए है उसके अंदर गिरावट देखने को मिली है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, इससे बैंक की जो असेट्स क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। अभी देख लेते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है, तो देखिए पिछले साल के क्वार्टर वन के अंदर रिटर्न ऑन एसेट्स मात्र 0.25% था, तो दोस्तों बढ़कर इस साल के क्वार्टर वन के अंदर गया 0.42%। तो यहाँ रिटर्न ऑन एसेट्स है उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, यानी ओवरऑल अगर कहें तो बैंक का रिजल्ट भी शानदार आया है और बैंक की जो एसेट्स क्वालिटी है उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इस साल के क्वार्टर वन के रिजल्ट के अंदर। बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक, देखिए एक लार्ज कैप बैंक है, ठीक है, इसका 52 वीक का हाई जो है 351 रुपये, 52 वीक का जो लो है 149.50 रुपये, और मार्केट कैप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1,66,488 करोड़ रुपये, और प्राइस टू बुक रेशियो मात्र 0.64 है, यानी भारतीय स्टेट बैंक जो है अपनी बुक वैल्यू से कम प्राइस के ऊपर जो है मार्केट में भी ट्रेड कर रहा है। अब हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वीकली जो चार्ट है वो लगा लिया, करंट टाइम में देखिए 2:32 हो रहे हैं, 194.15 रुपये के ऊपर जो है स्टॉक जो है लगभग ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसके जो टारगेट हैं वो क्या हो सकते हैं, आप देख सकते हैं कि एक बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 203 रुपये के आसपास में निकल के आ रहा है, जिस दिन स्टॉक जो है 203 रुपये या 204 के ऊपर जो क्लोज होगा उसके बाद में स्टॉक का पहला जो टारगेट होगा वो 230 रुपये का होगा, अगर ये भी क्रॉस करेगा तो उसके बाद में अगला जो टारगेट है वह है लगभग 250 रुपये का होगा, यानी यूँ कह सकते हैं कि स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर 300 या 350+ का जो टारगेट है वो दे सकता है, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम के लिए इसको होल्ड करना होगा। अब देखिए सपोर्ट लेवल देख लेते हैं कि सपोर्ट लेवल जो पहला जो सपोर्ट लेवल है वीकली चार्ट के ऊपर वह है 184.95 यानी 185 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है, उसके बाद में जो अगला जो सपोर्ट प्राइस है इसका लगभग 170 रुपये के आसपास में निकल के आ रहा है वीकली चार्ट के ऊपर, और एक बड़ा जो सपोर्ट लेवल है वह है लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 165 रुपये के आसपास में निकल के आ रहा है। अब चलते हैं इसके वनडे के चार्ट पर, यहाँ पर हमने देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वनडे का जो चार्ट है वो लगा लिया, करंट टाइम स्टॉक 194 रुपये के ऊपर लगभग जो है ट्रेड कर रहा है। इसका देखिए 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 186.83 रुपये निकल के आ रहा है, तथा 50 दिन का 75 दिन का और सुपर ट्रेंड की जो वैल्यू है 178 रुपये से 180 रुपये के आसपास में निकल के आ रही है। तो इन लेवल्स को आप अपने स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं या फिर ये सपोर्ट लेवल भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वनडे के चार्ट पे जो पहला जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वह लगभग 185 रुपये के आसपास में निकल के आ रहा है, उसके बाद में अगला जो सपोर्ट प्राइस है वह लगभग 180 के आसपास में निकल के आ रहा है, और उसके बाद में तीसरा जो बड़ा जो सपोर्ट लेवल है वनडे के चार्ट पे वो 170 रुपये के आसपास पे निकल के आ रहा है। अब देखिए रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट ही बहुत शानदार है, एसेट्स क्वालिटी है वो भी इंप्रूव हुई है, तो करंट जो सिचुएशन है 194 रुपये के ऊपर स्टॉक लगभग जो है ट्रेड कर रहा है, 194.40 से 194 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। तो हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखिए निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी एक बार सलाह जरूर ले लें, फिर भी मैं आपको एक रेंज देता हूँ कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो है निवेश करना चाहते हैं तो आप 185 से लेकर, ठीक है, अगर आपको 185 से
195 के लेवल जो है देखने को मिले। देखने को क्या मिले, करंट टाइम में इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। तो आप जितना 185 के आसपास में निवेश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आप 185 रुपये से 195 रुपये के पहला इन्वेस्टमेंट है वो आप इन लेवल्स के ऊपर कर सकते हैं। अगर उसके बाद में मार्केट में कोई गिरावट आती है, देखिए मार्केट में जब गिरावट आती है तो अच्छे स्टॉक और बुरे स्टॉक्स दोनों ही गिरते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिकवरी होती है वो अच्छे स्टॉक की जल्दी होती है और फास्ट होती है। तो अगर मार्केट में कोई गिरावट आए या स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिले, तो अगर आपको इन फ्यूचर 150 से 160 के लेवल देखने को मिले, ठीक है, जो अभी ये पॉसिबल तो नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी कुछ भी नहीं है। तो अगर 150 से 160 के लेवल अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिले, तो सेकंड जो इन्वेस्टमेंट है वो आप 150 से 160 के लेवल के ऊपर कर सकते हैं या फिर 170 के लेवल के ऊपर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आज का वीडियो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।